गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज मेरा दार्जिलिंग का काम खत्म, मतलब ट्रिप खत्म दार्जिलिंग से। अभी मैं जाऊँगा लेपचा जगत, लेकिन लेपचा जगत जाने के लिए आपको दार्जिलिंग बस स्टैंड से सुखिया पोखरी का गाड़ी, आपको शेयर गाड़ी मिल जाएगा। शेयर गाड़ी का फेयर पड़ता है पर पर्सन 50 रुपये, और आपका आई थिंक एक घंटे में आपको लेते जगह तो उतार देगा। आपका जो मैंने तो अपना होम स्टे पहले से बुक करके रखा था, आप भी कोशिश कीजिए कि अपना का लेते जगह का प्लान बनाते हैं तो पहले से अपना होम स्टे बुकिंग करें। और दार्जिलिंग के बारे में कहना चाहूँगा, अगर आप यंग हो तो पहले से कोई बुकिंग की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ आके आराम से कर सकते हो। और आपको रूम 800 से स्टार्टिंग है, आपको मिल जाएगा। तो आज हम जाएंगे आपका लेते जगह, और जस्ट जर्नी शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ, और मैं आपको थोड़ा बाहर का ये दिखा देता हूँ। तो ये है आपका मतलब आपका दार्जिलिंग बस स्टैंड, जहाँ से आपको सुखिया पोखरी का आपको शेयर गाड़ी मिल जाएगा, लेकिन आपको उतरना होगा लेफ्ट जगह, जो पहुँच जाए आपका वहीं पर। ठीक है, चलो। ये आपका स्टेशन है, यहाँ से भी आपका शेयर का गाड़ी आपको लेफ्ट के लिए मिल जाएगा। सुखूम स्टेशन लेकिन गाड़ी आप सुखिया पोखरी से आते हैं, सुखिया पोखरी से गाड़ी रिजर्व होता है, तो खाली रहता है तो अभी आप हो जाएगा, नहीं तो आपको सुखिया पोखरी बट आपको मिल ही जाएगा। दो ऑप्शन आपको मिलता है, इसका 50 रुपये आपका जानी पड़ता है। देखिए यहाँ से गाड़ी ऐसे घूम के आपका सुखिया स्टेशन से आपका ऐसे घूम कर आपको गाड़ी आएगा आपका एक जगह के। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। लेपचा जगत आप डायरेक्टली NGP से भी पहुँच सकते हैं। NGP से आप डायरेक्टली अगर गाड़ी बुक करना चाहते हैं आप बुक कर सकते हैं। NGP से लेपचा जगत का डिस्टेंस पड़ेगा आपका 75 किलोमीटर, जो आपका लगेगा तकरीबन 3 घंटे। और अगर आप डायरेक्टली गाड़ी बुक करेंगे तो आपका 2700-3200 रुपये आपका ले लेगा। मैं नीचे पसंद जी का नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप उनसे बात कर लिए डायरेक्ट, वो NGP से भी वो लोग ड्रॉप लेपचा जगत करते हैं। अब मैं आता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। बेसिकली जब अगर आप शेयर गाड़ी से आते हैं तो आपको NGP से घूम स्टेशन उतरना पड़ेगा, तो घूम स्टेशन से आपको लेपचा जगत के लिए शेयर गाड़ी मिल जाएगा, जो लेगा आपका 40 रुपये। ठीक है, लेकिन ये जो शेयर गाड़ी का टाइमिंग है, अगर सुबह 7 बजे से दोपहर के 2-3 बजे तक ये गाड़ी आपको मिलता रहेगा शेयर गाड़ी, उसके बाद तो आपका लक के ऊपर ये डिपेंड करता है। और मैं इस वीडियो में आपको लेपचा जगत के बारे में, सारे होमस्टे के बारे में, और मैं जिस होमस्टे में रुका था सलाका होमस्टे, वहाँ से व्यू मैं आपको सारा वो चीज़ आपको बताऊँगा। तो आपको वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। ठीक है, चलो। लेफ्ट जगत का हाइट है 6956 फीट। एक छोटा सा गांव पाइन फॉरेस्ट से घिरा हुआ, आप इसको दार्जिलिंग एक ऑफ पीक डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं। और हाँ, सेकेंड पार्ट में मैं आपको लेफ्ट जगत के साइट सीन, मतलब लेफ्ट जगत के व्यू पॉइंट, वहाँ से आपको जोर पोखरी और सीमाना लेकर चलूँगा। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट जगत का पहला पार्ट है, और सेकेंड पार्ट भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन और अपना ऑन रखिए। तो अभी मैं लेपचा जगत में पहुंच गया हूं, और मेरे पीछे ये सलाका होम स्टे है, और मेरा रूम वो वाला है। पसंग जी पर्सन द ओनर इज दिस इज अकोमोडेशन। सीरियसली पसंग जी बहुत ही अच्छे इंसान है, वेरी नाइस पर्सन। मैं वेरी मच हैप्पी कि उनके साथ मैं उनके होम स्टे पर आप आया हूं। और मैं यहां पर एक चीज़ बता दूं, यहां पर आपका फूडिंग लॉजिंग का 1000 रुपये पड़ता है, और
नीचे में मैं पर्सन जी का नंबर दे दूंगा। पीछे में आप जो ये होम स्टे देख रहे हैं, दिस इज द होम स्टे नंबर, सारा मैं आपको चीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। और हो सके तो पसंद जिसे मैं थोड़ा बात करूंगा, और कुछ देर में आपको रूम से जो व्यू, रूम से मतलब ऊपर का जो आप वो देख रहे हैं ना ऊपर में वो वाला, वहाँ से आप डायरेक्टली आपको कंचनजंगा का आपको व्यू मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे ही नीचे डाइनिंग से कंचनजंगा देखेगा, आप बोल दीजिए नीचे से देखेगा, डाइनिंग से भी देखेगा, डाइनिंग का रोड लेवल से कंचनजंगा मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? डाइनिंग से। हाँ डाइनिंग से, डाइनिंग से भी आपको कंचनजंगा दिखाई देता है। अच्छा अच्छा, आप यूट्यूब कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, इसलिए वो नीचे से ऊपर तक। आप यहीं का? हाँ मेरा है, मेरा ही पसंद का पापा हूँ। अच्छा पसंद का पापा। हेलो सर, यहाँ नीचे से ऊपर तक दिखाना से कंचनजंगा मिलेगा, वो कंचनजंगा व्यू आराम से मिलेगा रोड लेवल से। अच्छा अच्छा ठीक है। तो क्योंकि मैंने कहा कि आपको नीचे से यहाँ से भी आपको कंचनजंगा का पूरा आपको व्यू मिलेगा, ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा सा मतलब ऊपर से तो मैं आपको रूम का व्यू दिखाऊंगा ही, मैं नीचे से मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आपको कैसा व्यू यहाँ से मिलेगा। और आपको तो मैंने और एक चीज़ मैं कह दूँ कि मुझे दार्जिलिंग बस स्टैंड से यहाँ आने में मुझे तकरीबन एक घंटा टाइम लगा है। एक घंटा 10 मिनट आप पकड़ लो, आप सलाका होम स्टे पर आराम से पहुँच जाएंगे, जो आपका पड़ेगा आपका सिर्फ जस्ट 50 रुपीज़ में शेयर गाड़ी आपको पहुँच देगा। सिर्फ उसको बोलना है सलाका होम स्टे, और भी होम स्टे, लेकिन मेरे को लगा कि ये होम स्टे से आपको ज़्यादा कंचनजंगा का आपको व्यू ज़्यादा बेटर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ अभी। तो वो रहा दार्जिलिंग शहर, उतना तो एक्चुअली थोड़ा सा वेदर उतना क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं फिर से आएंगे। तो चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, रूम से कैसा नज़ारा मुझे दिखने को मिलता है। तो ये रहा हम लोग का रूम सलाका होम स्टे का। तो ये हम लोग का 7 नंबर रूम है, और ये रूम से सीधा आप देख रहे, आप अगर वेदर क्लियर है तो मैं आपको आज ही कंचनजंगा व्यू दिखा देता। तो ये पाइन फॉरेस्ट है, तो ठीक है कल मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊंगा कि यहाँ रूम से आपको कंचनजंगा व्यू मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैं आपको एक वॉशरूम भी एक बार दिखा देता हूँ, वॉशरूम दिखा के सीधा हम लोग चलेंगे खाना खाने। वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं सीधा नीचे जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लंच करने का हम लोग का टाइम हो गया पहुँचते यहाँ पे। पसंद जी के यहाँ पर खाना आपको एकदम गर्मा गर्म मिलेगा, वो भी स्वादिष्ट। तो थोड़ा सा भोजन करके हम लोग चलेंगे, बाकी होमस्टे के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपसे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। चलो एक चीज़ आपको यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पर और भी होम स्टे है, वही 1000 रुपये आपका फूडिंग, यहाँ पर जो भी आपका होम स्टे है वो आपका फूडिंग लॉजिंग के हिसाब से आपका ये यहाँ का प्राइस यहाँ का होता है, वही 1000 रुपये से स्टार्टिंग, 1000 रुपये 1200 रुपये। तो मैं आपको बाकी का होम स्टे का भी कुछ नंबर और आपका मैं बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेफ्टर में कितना क्या होम स्टे अवेलेबल है, ठीक है चलिए मेरे साथ। पहला जो होम स्टे मुझे दिखाई दे रहा है वो है लेपचा जगत होम स्टे, नंबर नीचे में दिया हुआ है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा। आगे चलते हैं, चलिए। दूसरा जो होम स्टे यहाँ पर कंचन कन्या होम स्टे का भी नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे जाके देखते हैं। ये दूसरा आपका है, आपका लेप्चा व्यू, नंबर है 9832429486। हाँ बोल
जाएगा आपका सिल्वर पाइन, आप देख सकते हैं नंबर है 9679941830 और एक नंबर 8172082102 8101721918 8310916943 सिल्वर पाइन होम स्टे लालीपुरा होम स्टे। और यह है आपका ग्रीन वैली होम स्टे, ठीक है। तो मैं थोड़ा निराश हूँ कि आज मैं आपको कंचनजंगा नहीं दिखा पाया। चलिए कल देखते हैं रूम से मैं आपको कंचनजंगा का व्यू दिखा पाता हूँ कि नहीं। फाइनली ऊपर वाले ने आज बात सुन लिया और वो देखिए सीधा मैं अपना रूम 7 नंबर रूम में हूँ, सीधा आपको मैं रूम से कंचनजंगा का व्यू दिखा रहा हूँ। पता नहीं कितना क्लियर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ लेकिन रूम से दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपको कि सिर्फ 7 और 8 से ही आप कंचनजंगा का आपको व्यू नहीं मिलेगा। मैं अभी जस्ट सलाका होम स्टे के नीचे में खड़ा हूँ ग्राउंड फ्लोर में, यहीं से भी आप अपने विंडो से भी डायरेक्टली आप कंचनजंगा का व्यू आपको देखने को मिलेगा। और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप देखिए मैं बाहर में हूँ और ये आपका मेरे पीछे में आपका यही सलाका होम स्टे है। 7 और 8 में ही ऐसा नहीं कि आपको व्यू मिलेगा, आपको यहीं से भी कंचनजंगा का व्यू आराम से अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि आप 7 और 8 नंबर रूम लीजिएगा तो नहीं तो व्यू नहीं मिलेगा। और हाँ एक चीज एक स्ट्रांगली बताऊंगा, रूम तो आपको मिल जाएगा लेकिन अगर कंचनजंगा का आपको अच्छा व्यू चाहिए तो आपको यहाँ पर फूडिंग और लॉजिंग होता है। पसंद जी को मुझे एक चीज सबसे अच्छा लगा, यहाँ पर खाना आप जब भी खाए आपको गर्मा गर्म खाना मिलेगा। एंड दे आर इन लोगों का हॉस्पिटलिटी इतना अच्छा है कि आप लोगों को दिल छू जाएगा। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप सलाका होम स्टे पे आइए और रुकिए। और बाकी के कैसे आपको आना होगा, कितना क्या खर्चा है, मैं सारा आपको डिटेल्स में मैंने वीडियो मैंने बनाया है और मैंने रूम का भी मैंने वीडियो और वॉशरूम का सारा मैंने आपको दिखाया कंचनजंगा का। तो ठीक है, तो अभी कुछ ही देर में मैं सलाका होम स्टे से चेकआउट कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं, अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगा। और हाँ यहाँ का फूडिंग लॉजिंग का मैं आपको बता दूँ, फूडिंग लॉजिंग का जो मतलब लॉजिंग का तो आपको पता है, फूडिंग लॉजिंग 1000 रुपये पड़ता है। फूडिंग का क्या क्या आपको मिलेगा मैं आपको बता दूँ, आप जब आइएगा आपको एक चाय दिया जाएगा वेलकम के हिसाब से। उसके बाद दोपहर का आपको मिल में आपका चावल एक अंडा भाजी ऐसा है, शाम में आपको चाय उसके साथ स्नैक्स और रात को चिकन और रोटी, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको फिर एक ब्रेकफास्ट पूरी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, चलिए।